हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रांड इंस्टा। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच वर्सेस फायरबोल्ट किंग स्मार्ट वॉच के बारे में। इन दोनों स्मार्ट वॉच की फुल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग में आपको 1500 से 1000 रुपए का डिफरेंस जो है मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, फीचर, डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपके लिए कौन से स्मार्ट वॉच सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाती है, प्राइस जितना लग रहा है उस हिसाब से कौन से स्मार्ट वॉच वर्थ है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे बॉक्स में जरूर पूछ सकती है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग बातें करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट, कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये दोनों ही स्मार्ट वॉच आपको मेटल फ्रेम की मिल जाएंगे और डायल शेप को देखा जाए तो यहाँ पे आपको दोनों स्मार्ट वॉच रेक्टेंगुलर डायल शेप में मिल जाएंगे। स्टेप की क्वालिटी की देखा जाए तो स्टेप की क्वालिटी भी आपको सेम मिलेगी, दोनों में आपको मेटल का स्टेप आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ में लेदर का भी ऑप्शन जो है दिया गया, तो यहाँ पे चेंज वगैरह भी कर सकते हो। अब डिफरेंस देखा जाए तो इनके नेविगेशन बटन में आपको डिफरेंस मिलेगा। फायरबोल्ट किंग में आपको सिंगल फ्लैट टैप नेविगेशन बटन दिया गया, जबकि नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 में आपको दो बटन दिया गया, एक है सर्कुलर क्राउन रोटेटरी और एक है फ्लैट टैप नेविगेशन, तो ये इसका प्लस पॉइंट निकल कर आ जाता है। अब बात करें इन दोनों स्मार्ट वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच में क्या है कि आपको 1.96 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 368x448 का पिक्सल उसका सपोर्ट इसमें दिया गया और उसी के साथ 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया, 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट तो दिया ही गया है। तो डिस्प्ले देखा जाए तो एमोलेड तो दी गई है, लेकिन काफी ज्यादा बड़ी आपको मिलने वाली है, जबकि फायरबोल्ट किंग में आपको 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इसमें भी मिल रही है और इसमें आपको 368x448 का पिक्सल उसका सेम दिया गया और इसमें भी आपको 550 का निटपिक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाएगा, मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट दिया गया और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्वालिटी अराउंड आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन साइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैटर कर रहा है। तो बेस्ट देखा जाए तो कहीं कहीं नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 3 की स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले साइज और क्वालिटी काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाती है। बात करें इन दोनों स्मार्ट के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, तो ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर आपको दोनों मिल रहा है, तो कॉल वगैरह से आप दोनों स्मार्ट वॉच से बात कर सकोगे, कॉल को रिसीव भी कर लोगे और यहीं से डायल करके बात भी कर सकोगे। हेल्थ ट्रैकर्स को देख लीजिए तो सेम दिया गया, SPO2, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ब्रीथ स्टेटस और फीमेल हेल्थ ट्रैकर्स का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मोड को देख लीजिए तो ये भी सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 स्पोर्ट्स मोड दोनों में दिए गए। वाटर को चेक किया है तो IP68 हल्का फुल्का पानी पसीना बौछार वगैरह लग जाता है तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा पानी के अंदर आप यूज मत करेगा, यहाँ पे डेड होने का चांस बढ़ जाता है। 7 to 10 डेज का नॉर्मल बैकअप दिया गया, ब्लूटूथ कॉलिंग और AOD को हैवी यूज करोगे तो एक दिन चलेगा, वो भी एक दिन नहीं चलेगा अच्छे से, यहाँ पे आप यूज करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने यूज किया है, कोई भी स्मार्ट वॉच एक दिन से ज्यादा नहीं चलती। और उसी के साथ साथ कॉमन स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो कैलकुलेटर और उसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट का फीचर आपको दोनों में दिया गया, स्मार्ट फीचर और स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का सपोर्ट आपको दोनों मिल जाएगा, सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन देख सकोगे, कैमरा, म्यूजिक, टॉर्च, अलार्म, DND, वेदर फॉरकास्ट जैसा फीचर आपको दोनों स्मार्ट वॉच में मिल जाएगा। गेम का फीचर मिलेगा यानी ये कंपनी ने दोनों स्मार्ट वॉच में नहीं बताया, तो गेम देखिए शायद आपको मिल सकता है, क्योंकि अब गेम जो है ट्रेंड में है तो गेम आपको दोनों में मिल जाएगा। तो ये कुछ फीचर मिल जाएगा इन दोनों में। प्राइसिंग को देखा जाए तो प्राइसिंग में आपको 1000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा और लॉन्च डेट देख लिया जाए तो दोनों आपको 2 मई को लॉन्च किए जाएंगे। किंग स्मार्ट वॉच आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी 2 मई को और वहीं पे अल्ट्रा 3 स्मार्ट वॉच आपको 2 मई को मिलेगी अमेज़न पे, तो ये डिफरेंस निकल कर आ जाता है। प्राइसिंग को देखा जाए तो अल्ट्रा 3 की प्राइस है 4499 रुपए, जबकि फायरबोल्ट किंग स्मार्ट वॉच की प्राइस होने वाली है 3499 रुपए। अब देखा जाए कि कौन सी लेना चाहिए, तो सिंपली मैं बोलूंगा कि फायरबोल्ट अल्ट्रा 3 काफी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बहुत ही ज्यादा निकल कर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए 4400 यानी कि 4500 रुपए में ये स्मार्ट वॉच मिलेगी तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी प्राइस 3500 रुपए से लेकर 3800 रुपए तक रहती तो काफी ज्यादा वर्थ रहता इस फीचर के साथ में, लेकिन फायरबोल्ट किंग को देखा जाए तो इसकी प्राइस कहीं ना कहीं 2500 से 3000 रुपए के बीच में रहती, 2999 रुपए की रहती, तब ये काफी ज्यादा बेस्ट हो जाती। दोनों स्मार्ट वॉच कहीं ना कहीं 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में ओवर प्राइस जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि दोनों स्मार्ट वॉच बेस्ट है लेकिन प्राइस बहुत ही ज्यादा लग रही है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ परचेस करिएगा। अगर आप ले सकते हो इतना पैसा लगा के आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा, दोनों स्मार्ट वॉच बेस्ट है, बस मैं ये बोलूंगा कि कहीं कहीं 500 से 1000 रुपए ज्यादा ले रही है, तो बस यही मैं बोलूंगा कि दोनों स्मार्ट वॉच बेस्ट है लेकिन प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे हाई निकल कर आ जाती है। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग बातें करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अनबॉक्सिंग, टिक टिक साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।